दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अक्सर हम इस बात की चर्चा करते रहे कि हिंदुस्तान को ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिलते। ये निश्चित रूप से चिंता की बात थी कि 140 करोड़ के देश में 40 गोल्ड मेडल नहीं आते, जबकि छोटे छोटे देश, चाहे वो यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, एशियन कंट्रीज हो, कोरिया जैसे, जापान जैसे देश, जिनकी आबादी भारत से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये हम कहें कि एक राज्य से भी छोटे देश हैं वो, और वो गोल्ड मेडल की या बाकी ओलंपिक मेडल्स की पूरी झोली भर के ले जाते थे। आजकल जो दिल्ली में खेल फेडरेशन में जो गंदगियां सामने आ रही हैं, और उसका क्लासिक एग्जांपल है रेसलिंग फेडरेशन। जिस तरह से एक कोच ने प्रेसिडेंट पे आरोप लगाए, खिलाड़ियों ने फेडरेशन के प्रेसिडेंट पे आरोप लगाए, और सबके पीछे अपनी अपनी राजनीति है, और कब लगाए, 12 साल बाद। 10 से 12 साल बाद सबको अचानक चीजें याद आने लगी। क्या रेसलिंग फेडरेशन के लोगों को या जो कोच थे वो 10 साल तक महिलाओं का शोषण देखते रहे, या जो फेडरेशन के वेलविशर्स थे, जो खिलाड़ियों के साथ उनके मां बाप जाते थे, उनके भाई जाते होंगे कुश्तियों में बाकी जगह पे, क्या वो 12 साल तक अपनी बेटियों का शोषण होते हुए देखते रहे? कौन सा खून था इनमें? किस जमीर की ये बात कर रहे हैं? या 12 साल बाद राजनीति समझ में आई कि किस तरह से हमें फेडरेशंस के चंदे पे, फंड्स पे कब्जा करना है, किस तरह से हमें अपने स्वार्थों को सिद्ध करना है? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस में है? अदरवाइज क्या कारण हो सकता है कि 140 करोड़ के देश में आपको खिलाड़ियों की क्षमता ना मिले और आप ओलंपिक ना जीत सके? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए ये जानना कि हिंदुस्तान में जो खेल फेडरेशंस हैं, और खासकर जो आजकल जिस तरह से खेलों में पैसा आ रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, हर आदमी महत्वाकांक्षी हो गया है। मैं खुद अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि खिलाड़ियों के लिए आज किसी भी रूप में टीम में आना एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और भारत सरकार तो बहुत लिबरल हो गई है, जॉब्स भी मिलने लगे, स्पॉन्सर्स भी मिलने लगे, पब्लिसिटी भी मिलने लगी है, समाज में स्टेटस भी मिलने लगा है। तो हर आदमी, चाहे उसको खेलना आए या ना आए, टीम में जाना चाहता है। जहां तक बात है टीम ऑफिशियल्स की, उनको जो पर्क्स मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, देश विदेश में घूमने के मौके मिलते हैं, उनको वो लालच रहता है, चाहे वो टाइम दें या ना दें खिलाड़ियों पे। और जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको ये लगता है कि अब क्योंकि जनता खिलाड़ियों का साथ दे रही है, जो नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कमेटियों के ऊपर हावी हैं या अध्यक्ष बन जाते हैं, जिनका खेल से कोई वास्ता नहीं है, क्यों ना हम इस देश में एक माहौल क्रिएट करें जिससे जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में, खेल संघों में स्थान मिले, क्योंकि जो हमने खिलाड़ी रहते हुए कमा लिया वो तो अपनी जगह है, अब बुढ़ापे का भी इंतजाम करना है तो कहीं ना कहीं खेल फेडरेशन से हमें चिपकना होगा। ये बात आपको समझनी होगी। आज खेलों में बहुत पैसा है, स्पॉन्सर्स हैं जैसा मैंने कहा, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक खेल की या एक खिलाड़ी के लिए या एक फेडरेशन के लिए इस समय बहुत सुधार की जरूरत है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि आप सबसे पहले जितने भी फेडरेशन हैं उनकी मेंबरशिप, उनकी कार्यशैली को पूरा डिजिटाइज करिए। आज भी खेल फेडरेशन में 5 आदमी, इन्फ्लुएंशियल आदमी मिलके एक गुट बना के जो चाहे डिसीजन ले लेते हैं, बाकी लोगों के हाथ में नहीं रहता है। एक कार्टल हर फेडरेशन में बनता जा रहा है, एक फेवर में जो पावर में होता है, एक उसके अगेंस्ट में जिसको पावर चाहिए। कुल मिला के जो खेल फेडरेशन है वो राजनीतिक अखाड़ा बन गए हैं, वहां पे खेलों पे चर्चा नहीं होती, क्योंकि खेल के कानून तो ओलंपिक एसोसिएशन बताती है कि खेल के कानून क्या होंगे, सुविधाएं, फैसिलिटीज क्रिएट करना, क्योंकि फंड है तो दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब टेंडर निकलेंगे तो उसमें भी कमाई होगी, उसमें भी कमीशन होगी,
आप जाके देख लीजिए ग्राउंड्स की हालत, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे आज उनके स्टेडियम्स की हालत देख लीजिए, फैसिलिटीज की हालत देख लीजिए, बुरा हाल, हम उनको मेंटेन तक नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स का जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना था तो उसमें कितने कमीशन और कितनी धांधलियां हुई थी। ऐसा हर स्पोर्ट्स इवेंट के आसपास होता है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको आप आसानी से ऑडिट नहीं कर सकते। गाड़ियां हैं, खाना है, होटल्स हैं, ट्रैवल है, होल लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं, किट्स हैं, दुनिया भर की चीजों की परचेजेस होती है, और उसमें कहीं कोई इस तरह का मानदंड नहीं है कि आप उसको बहुत ऑब्जेक्टिव करें। जो स्पोर्ट्स स्पॉन्सरर्स हैं वो भी अंडर टेबल डील करते हैं ताकि उनको भी स्पॉन्सरशिप मिल जाए, ताकि उनकी सेल बढ़ जाए। क्योंकि जो खिलाड़ी होता है वो ये देखता है कि एसोसिएशन कौन से ब्रांड को एंडोर्स कर रही है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो जो स्पोर्ट्स में जो कंपनियां ब्रांडिंग एंडोर्समेंट करती हैं उसका असर बाकी वाइडर मार्केट पे भी पड़ता है। उदाहरण के लिए कि अगर मैं आज कॉस्को की बॉल खरीद रहा हूं या निविया की बॉल खरीद रहा हूं फेडरेशन के लिए, तो अगर मैं अपने स्कूल में या कॉलेज में या स्पोर्ट्स में या क्लब में कोई बॉल खरीदूंगा तो मैं कहूंगा यार कॉस्को की ले आओ, फेडरेशन भी वही एंडोर्स कर रहा है, इसका मतलब क्वालिटी अच्छी है। तो उस कंपनी का सेल बढ़ जाता है, या निविया का सेल बढ़ जाता है, या एडिडास का सेल बढ़ जाता है। ये करप्शन बहुत रैम्पेंट है स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों, जिस तरह से हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स हम मैनेज कर रहे हैं, और ये है फेडरेशन के लेवल की पॉलिटिक्स। अब आप सोचिए कि यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में क्या होता है। वहां तो जो स्पोर्ट्स का फंड आता है वो किसी को पता ही नहीं कितना आया। कोच ने एक बिल बना के दे दिया कि इतने पैसे लग गए ट्रेनिंग में, उतने सैंक्शन हो जाते। अब उसमें स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो लोकल फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष, उसके सेक्रेटरी, उसके कोच मिलके क्या खेल खेल रहे हैं किसी को नहीं पता। क्या भारत सरकार इस बात को नहीं कह सकती कि हर स्पोर्ट्स फेडरेशन में कितना पैसा गया, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या डिस्ट्रिक्ट हो, या स्टेट लेवल हो, या नेशनल लेवल हो, या इंटरनेशनल लेवल हो, किस किस काम के लिए कितना कितना पैसा खर्चा गया, क्या इसका डिजिटल बैलेंस शीट हम उनकी वेबसाइट पर नहीं डाल सकते? हम खिलाड़ियों से क्यों छुपाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जहां पे प्रैक्टिस होती है उनके पास ना मैट होते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, नेट टूटे हुए होते हैं। लोगों को कहा जाता है कि आप जो जितने भी किड्स हैं वो आप अपने घर से लेके आएंगे, और बच्चे अपने माँ बाप को तंग करते हैं कि हमें बैट चाहिए, हमें शटल कॉक्स चाहिए, क्योंकि कैंपस नहीं दे रहा है, हमें खुद अपनी अपनी लेके जानी पड़ रही। क्योंकि किसी को नहीं पता कि बच्चों का एंटाइटलमेंट क्या है, यूनिवर्सिटी किस चीज पे, या कॉलेज किस चीज पे, या स्टेट फेडरेशन या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन किस चीज पे कितना पैसा खर्च रहे। तो ये बंदरबांट चलती रहती है। और खिलाड़ी इसलिए शिकायत नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अगर शिकायत कर दिया तो कल से कोच ग्राउंड में नहीं आने देगा, उसकी कैरियर खत्म हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट को दबा दिया जाएगा, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि सारा का सारा अधिकार कोचेज के पास है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन में रिफॉर्म्स लाएं, सुधार करें, उनका क्लियर ऑडिटिंग हो और वो जनता के सामने रखा जाए। नहीं तो ओलंपिक की आस में हम लोग बैठे रहेंगे और उम्मीद ये करते रहेंगे कि हमारे खिलाड़ी गए और खेल के आएंगे। जब डिफेक्टिव सिलेक्शन हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है सिलेक्शन में, तो ओलंपिक मेडल कैसे आएगा? जब कोचेस सिर्फ मस्ती करने जा रहे हों, टाइम पास करने जा रहे हो, उनको भी पता है कि जो खिलाड़ी दिए जा रहे हैं उनमें क्षमता नहीं है, तो मेडल कैसे आएगा? और बाकी ऑफिशियल्स अपने परिवार के साथ जब जाते हैं फॉरेन ट्रिप पे, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट कम से कम 2 से 3 हफ्ते चलता है, तो 2 से 3 हफ्ते फॉरेन ट्रिप सरकारी खर्चे पे अगर मिल जाए तो और जिंदगी में क्या चाहिए। तो झगड़ा सिर्फ पर्क्स एंड बेनिफिट्स को लेकर रह गया है, स्पोर्ट्स सिर्फ एक करप्शन का माध्यम बनता जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा टीम स्पोर्ट्स में हिंदुस्तान में ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। इंडिविजुअल में तो अक्सर ये होता है कि आप ज्यादातर खिलाड़ियों को दबा नहीं सकते क्योंकि उसकी अपनी क्षमता है, लेकिन उसको टाइम पे कोचिंग ना देना, उनको गलत सर्किट में रखना, उनको गलत ग्रुप के साथ क्लासिफाई करना, इससे उसका पोटेंशियल खत्म हो जाता है।
जिस खिलाड़ी को, क्योंकि खिलाड़ी पर्सनलाइज्ड स्ट्रेंथ होती है, खिलाड़ी की कैपेबिलिटी को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, हर खिलाड़ी की क्षमता दूसरे से अलग होती है। ये काम कोच और मैनेजर का होता है कि उस खिलाड़ी की क्षमता को कैसे विकसित किया जाए। अगर कोच ये सोच ले कि मुझे इस खिलाड़ी की क्षमता को विकसित नहीं करना है, इसको प्रॉपर गाइड नहीं करना है, ये जो गलतियां कर रहा है इसको करने दो, उस खिलाड़ी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हिंदुस्तान में अच्छे कोच, ईमानदार कोच, कोच अच्छा हो सकता है लेकिन नीयत खराब हो सकती है। मैंने ऐसे बहुत सारे कोच देखे, पोटेंशियल है, अच्छे खिलाड़ी ग्रूम कर सकते हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स में, अपने स्वार्थ में उन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं, पूरी टीमों का बेड़ा गर्क किया है, पूरे टूर्नामेंट्स का बेड़ा गर्क किया। और आप इस बात को समझिए कि खिलाड़ियों की उम्र 3 से 5 साल होती है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग खिलाड़ी नहीं रहते। ऑन एन एवरेज खिलाड़ी 3 से 5 साल मेहनत करता है, और अगर 3 से 5 साल में अगर उसको मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो उसकी जिंदगी में खिलाड़ी बनना या खिलाड़ी से जो उसको सम्मान मिलना चाहिए खेल से, वो उसको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये बात बहुत गंभीर है, और जिस तरह से रेसलिंग फेडरेशन की गंदगियां सामने आ रही, वो कोच आरोप लगा रहा है जो खुद भ्रष्टाचार में शामिल था, वो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं जिनको 12 साल तक जिन्होंने बेनिफिट उठाए और अचानक 12 साल बाद याद आया कि उनके साथ मिसबिहेवियर हुआ, और किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, और उनके समर्थक यहां तक कह रहे हैं, और ये खिलाड़ी यहां तक कह रहे हैं कि ये हजारों लोगों के साथ हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि क्या सारे देश में हजारों लोग, हजारों कुश्ती वाले खिलाड़ी, हजारों लोग मुंह बंद करके बैठे रहे, उन्होंने अपने परिवारों तक को नहीं बताया कि हमारे साथ गड़बड़ हो रही या माहौल ठीक नहीं है? ये कहना क्या चाह रहे? मैं समझता हूं कि सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन किस कीमत पर? टीवी के कैमरे के आगे आके अगर आप महिलाएं हैं और आप किसी पे आरोप लगाती हैं, तो आपको इतना भी पेशेंस नहीं है कि आप कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करें? 12 साल आपने शिकायत लगाने में इंतजार किया, लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए 12 हफ्ते देने को आप तैयार नहीं? ये कौन सा मजाक है? 12 साल तक कहां थे आप लोग? और जब कोर्ट इंटरवेंशन है, प्रोसीजर चल रहा है, तो उसको पूरे भी नहीं होना देना चाहते। डिक्टेशन देंगे कि किस तारीख को क्या काम होना चाहिए, कौन कब अरेस्ट होना चाहिए। ये लोग कोर्ट से भी बड़े हो गए, और आज हद यहां होती है कि साहब प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बोल रहे, जब मैटर ऑलरेडी सब ज्यूडिस है, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर किस लिए बोलेंगे और क्यों बोलेंगे? मतलब आप उल्टी सीधी बातें करो और प्राइम मिनिस्टर आपके साथ खड़ा हो जाए बिना तथ्यों को जाने। मतलब देश के प्रधानमंत्री को आपने अपने लेवल तक गिराने की कोशिश करी। कृपया ऐसा ना करें, बची खुची इज्जत को संभालें, दुनिया सब देख रही। लेकिन भारत सरकार से मेरा निवेदन यह है कि अगर हमें खेलों का स्तर बढ़ाना है तो फेडरेशन के मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, डिजिटाइजेशन करना होगा, सिलेक्शन मेथड को ट्रांसपेरेंट करना होगा, कोचेस की कैपेबिलिटी को समझना होगा, जो लोग टीम्स के साथ जाते हैं उनका एक प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, डिस्क्रिशन किसी का नहीं होना चाहिए अगर आप वास्तव में इस देश में खेलों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। नहीं तो कुश्ती के अखाड़े की तरह हर फेडरेशन, हर स्पोर्ट्स फेडरेशन अपने आप में एक अखाड़ा है, और वहां दिन भर उठापटक चलती ही रहती है। तो देश हित में, देश के खेलों के हित में हमें अपने फेडरेशंस में सुधार की जरूरत है, सिर्फ नेशनल फेडरेशन नहीं, लोएस्ट लेवल तक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हर लेवल पे करप्शन। मैं विटनेस रहा हूं, मैं खिलाड़ी रहा हूं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का जनरल कैप्टन रहा हूं, यूनिवर्सिटी कैप्टन रहा हूं, 10 साल खेले हैं, मुझे पता है कहां क्या प्रेशर आते हैं, कैसे खेल खेले जाते हैं। तो सुधार की जरूरत है। अगर सुधार नहीं किया हमने एडमिनिस्ट्रेशन में, तो गोल्ड मेडल की उम्मीद करना बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रॉटन सिस्टम से कि आप गोल्ड मेडल दे दें। कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह राजनीति हावी है,
वेस्टेड इंटरेस्ट हावी। दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या हिंदुस्तान ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला सकता? आसानी से ला सकता, बहुत क्षमताएं हैं। आप जितने भी रियलिटी शोज आते हैं उसमें, डांस शो में देखिए, बच्चों के जो जिम्नास्टिक एक्टिविटी है वो कितनी फ्लेक्सिबल है। क्या उन बच्चों को ग्रूम करके अच्छा जिम्नास्ट नहीं बनाया जा सकता था? लेकिन किसी के पास टाइम नहीं उन टैलेंट को ढूंढने का, सब अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में बिजी। आपका क्या सुझाव है दोस्तों कि फेडरेशंस में क्या सुझाव होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस देश के खेलों के हितों के लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, सही लोग आगे जाएं, ये जरूरी है। हम प्रयास जारी रखेंगे, आपका सहयोग मिलता रहेगा, उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।